हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप जीन स्वेटर में, जर्सी में, लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, जैकेट में डाल सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक में, जर्सी में, स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, शॉल में, स्टॉल में, वुलन कैप में, स्कार्फ में। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। देखिएगा फ्रेंड्स, जालीदार डिज़ाइन है ये। बैक साइड से इस तरह से रहेगा और जो इसकी राइट साइड है उसमें ये इस तरह से रहेगा। यह डिज़ाइन देखने में इस तरह लगता है जैसे हमने क्रोशे से बनाया हुआ है, लेकिन ये सिलाई से बनाया गया डिज़ाइन है। इसकी जालियाँ इस तरह से चलती जा रही हैं, एक साइड को तीन तीन के मल्टीपल के फंदों में डिज़ाइन हमारा डलेगा और दोनों साइड में एक एक फंदा एक्स्ट्रा रहेगा। बहुत सुंदर और आसान सा डिज़ाइन है, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो पूरी देखना। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगता है। चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं हम। फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिएगा इस तरह से धागा लेंगे, धागे की इस तरह जाली बनाएंगे, लपेटा देकर जाली बनाएंगे, उसके बाद दो फंदों में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे, इनको हम बुनेंगे। दो फंदों को बुन लेने के बाद इन दोनों फंदों को हम सिलाई से निकालेंगे नहीं, सिर्फ एक फंदे को निकालेंगे। एक फंदे को निकाल लेने के बाद जो एक फंदा बचा है इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, आगे का एक फंदा हम बनाएंगे और जो ये बीच में हमने जो फंदा स्लिप किया था इसको हम इस फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। देखिएगा इसी पैटर्न को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। सिलाई पर फंदा लपेटेंगे, आगे की साइड से दो फंदे बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को सिलाई से निकाल देंगे और आगे वाले फंदे को इस तरह से स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और अगले जो पीछे वाला फंदा था जो हमने स्लिप किया था इस वाले फंदे के ऊपर से इस तरह उतार देंगे। इसी पैटर्न को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। जाली बनाएंगे, दो फंदे बुनेंगे, एक फंदे को सिलाई से उतार देंगे, एक इस वाले फंदे को जो दूसरा फंदा था इसको हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, आगे वाले फंदे को बुनेंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिएगा जाली बनाएंगे, दो फंदे आगे की साइड से बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को निकाल देंगे सिलाई से, एक फंदे को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर से जाली बनाएंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को सिलाई से निकाल देंगे, आगे वाले फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे, जो हमने ऐसे ही स्लिप किया था फंदा उसको इसके ऊपर से इस तरह उतार देंगे। फिर से जाली बनाएंगे, दो फंदों को आगे से बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को निकाल देंगे, एक फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिएगा बनाने में बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है। जाली बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, पीछे वाले फंदे को निकाल देंगे, आगे वाले फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, इसको इसके ऊपर से इस तरह उतार देंगे। फिर से जाली बनाएंगे, दो फंदों में सिलाई देकर बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को निकाल देंगे, आगे वाले को ऐसे ही स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। लास्ट में दो फंदे बचे, दोनों फंदे सीधे बना लेंगे। सेकेंड रो हमारे डिज़ाइन की, सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाकर हम अपनी सेकेंड रो कम्प्लीट करेंगे। सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। देखिएगा
दो सिलाइयों का हमारा डिजाइन है, दो सिलाइयों में बनकर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर से एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर इस बार हमारी जाली नहीं डलेगी, तो दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो। देखिए जाली बनाएंगे, दो फंदों को आगे की साइड से बुनेंगे, एक फंदे को नीचे छोड़ देंगे, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसके ऊपर से उतार देंगे। जाली बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, पीछे वाले फंदे को सिलाई से निकाल देंगे, आगे वाले फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे, एक फंदा आगे वाला बुनेंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा है इनके ऊपर से उतार देंगे। देखिए जिस तरह से हमने फर्स्ट रो में अपना डिज़ाइन बनाया था, सेम उसी तरह से हमें बार बार रिपीट करते जाना है। बस थोड़ा शुरू में ध्यान रखना है फंदे का, एक बार जो डिज़ाइन डालेंगे हम वो शुरू से ही डालेगा, और सेकंड रो में जो हम अपना डिज़ाइन डालेंगे उसमें हमें दो फंदे ऐसे ही बुन लेने हैं, तभी हमारा डिज़ाइन ठीक बैठेगा। देखिए जाली बनाएंगे, दो फंदों का एक करेंगे, एक फंदा ऐसे ही छोड़ देंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा और इस स्लिप के फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। जाली बनाएंगे, दो फंदे बुनेंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, फंदा सीधा इसके ऊपर से इस तरह उतार देंगे। इस तरह से बनाते हुए हम अपनी राइट साइड की जो रो है उसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाकर हम अपनी रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही जैसा डिज़ाइन है, दो रो में हमारा डिज़ाइन एक बनकर कंप्लीट होता है, दो रो में एक डिज़ाइन। एक बार हमारी जाली यहाँ पर बनेगी, एक बार बीच वाले फंदे पर बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से बनाते हुए हम अपने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसको लेडीज जैकेट कार्डिगन में डालेंगे तो बहुत प्यारा डिज़ाइन लगेगा और इसमें ऊन भी बहुत ज़्यादा कम लगेगी। आप इसको थोड़ा मोटा सिलाई से बनाएं तो यह है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी बुनाइयों का जो डिज़ाइन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो बेल आइकन दबाना ना भूलना और कमेंट ज़रूर कर देना आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका कैसा लगता है और मैं किस तरह का डिज़ाइन और आपके लिए लेकर आ सकती हूँ, ये मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखें। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।